देखिए, अभी जो कोविड की पॉइंट सूरत हाल है श्रीनगर के, श्रीनगर जिले में, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो पीक 33% हुआ करता था, वो अब नीचे आकर 6.5% हो गया है, और तकरीबन 78% गिरावट आई है केसेस में। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिला श्रीनगर में अभी भी 3700 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक पूरे जिले में 7 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, आरटीपीसीआर और रैट दोनों मिलाकर 7 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं पूरे जिले में। इसके अलावा वैक्सीनेशन पूरे जोरों शोरों पर चल रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें 18 to 44 ईयर्स ग्रुप, 45+ दोनों में वैक्सीनेशन जारी है। आज तक अगर पिछले 4 हफ्तों में हम देखें, जो कंटेनमेंट मेजर्स हमने उठाए थे, जिसमें कोरोना कर्फ्यू, नोटिफिकेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, वैक्सीनेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, ये सारी जो हिकमत अमली है, इसी के तहत चलकर जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें नुमाया गिरावट देखने को मिली है। अभी भी तकरीबन 3700 एक्टिव केसेस हैं जिला श्रीनगर में, लिहाजा हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, एसओपीज का पालन करने की जरूरत है। अनलॉक जो पार्शली हुआ है, ये मिनिमल अनलॉक है, कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे और इस खुश फहमी में भी ना रहे कि अब हम बिल्कुल अनलॉक कंप्लीट हो चुका है और अब हम छूट है, खुला खुला फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा एमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकलें। मैं सभी से आपके चैनल के जरिए इस्तदा करना चाहता हूं कि यहां से, जहां हम जिला श्रीनगर ऑरेंज जोन में है, यहां से हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो हम वापस रेड जोन की तरफ जाते हैं या फिर हम ग्रीन जोन की तरफ जाएंगे। ग्रीन जोन ही चुने, और वो तभी मुमकिन है जब हम कंप्लीट डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। पब्लिक लाइफ में डिसिप्लिन की जरूरत है, दफातर में डिसिप्लिन की जरूरत है, और घरों में भी डिसिप्लिन की जरूरत है। घर के अंदर भी एसओपीज का जरूरी है पालन करना, अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको, उनके लिए जरूरी है कि एसओपीज का पालन करें। तो इस तरीके से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिला श्रीनगर में जिस तरीके से पिछले साल फर्स्ट वेव से हम बाहर निकल कर आए थे, उसी तर्ज पर चलते हुए हम सेकंड वेव से भी बाहर निकल कर आए। मार्केट में लोग खुश नहीं हैं कि हफ्ते में एक ही दिन मिल रहा है। आप बताइए कि हम तब खुश होंगे जब कोई अपने फैमिली को की देख रेख करने वाला शख्स, खुदा न खास्ता, हाई रिस्क में एक्सपोज हो और जो आमदनी का जरिया है वो पूरे परिवार का इफेक्ट हो। क्या वो अच्छी सूरत हाल है या ये अच्छी है कि पहले जानों को बचाया जाए, जिंदगी की हिफाजत की जाए? तो वो बहुत जरूरी है। जब जो कहा जाता है कि जान है तो जहान है, तो यही बात है कि जब हम सेफ्टी इंश्योर करेंगे, जो एक्टिव ब्रेड अर्नर है फैमिली का, जब उसको हम सेफ रखेंगे, जब सेफ्टी इंश्योर करेंगे, तभी वो कमाकर अपने खानदान को खिला सकता है। तो अनलॉक बिल्कुल मिनिमल किए गए श्रीनगर में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अभी भी 3700 एक्टिव केसेस हैं जिला श्रीनगर में। चाहे पॉजिटिविटी रेट 6.5% के करीब आ चुका है, लेकिन अभी भी 3700 एक्टिव केसेस हैं, ये काफी ज्यादा है। इट इज नॉट ए गुड डेटा फॉर गुड कंक्लूजन। उस तरफ हम डेफिनेटली मुस्बत पहलू है और हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अभी ये कोई, हम इसे कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हम अंजाम पर नहीं पहुंचे हैं अभी, हम सफर में हैं, हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं अभी कि हम ये डिक्लेयर कर दें। और पार्शियल अनलॉक या मिनिमल अनलॉक का हरगिज कोई ये मतलब ना निकाले कि अनलॉक हो गया है तो अब खुली छूट है, हम कहीं भी चले जाएं। अनलॉक किसी भी तरह से खुली छूट का नाम नहीं है। अनलॉक किसी भी सूरत में फुल ब्लूम पर हर एक्टिविटी रिज्यूम करने का नाम नहीं है अनलॉक, बल्कि एक मिनिमम सस्टेनेबल कंडीशन पैदा करने का नाम है, मिनिमम सस्टेनेबिलिटी का नाम है। तो लिहाजा इसमें मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि एसओपीज का पूरा पालन करें, सभी लोग एसओपीज को फॉलो करें, और तभी जाकर हम
जैसे फर्स्ट वेव से हम बाहर निकल कर आए थे, उसी तरीके से सेकंड वेव से भी बाहर निकल कर आएंगे। हर पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, 5 बेड हो, उनमें से एक ऑक्सीजन बेड हो, उन्हीं डायरेक्शंस का कंप्लायंस करते हुए 21 की 21 पंचायतों में हमने कोविड केयर सेंटर सेटअप किए हैं और 21 पंचायतों में हर पंचायत में हर कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, बुनियादी जो अद्वियात हैं वो दस्तियाब हैं वहां पर। और ये भी बताना चाहूंगा कि कोविड केयर सेंटर में जो लोग होम आइसोलेशन नहीं कर सकते पॉजिटिव पेशेंट्स, उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे हमारी पंचायतों के अंदर पॉजिटिव पेशेंट्स कोविड केयर सेंटर में आके वहां पर मौजूद हैं।